सबसे पहले हम कक्षा 11 से 12 में जाने वाले बच्चों को ये बता देना चाहते हैं कि अंग्रेजी में सिलेबस क्या है। बोर्ड की परीक्षाएं 100 नंबर की होती हैं, 50 नंबर की थ्योरी और 50 नंबर का ग्रामर आता है। जो लिटरेचर है उस लिटरेचर में 4 भाग हैं, प्रोज है, पोएट्री है, शॉर्ट स्टोरी है और मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा के रूप में। तो सबसे पहले आज हम आपको प्रोज का पहला लेशन, ए गर्ल विथ ए बास्केट, रिटन बाई विलियम सी डगलस, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, सुनिए और इसका लाभ उठाइए। लेसन इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि अमेरिका के रहने वाले एक जज जो भारत की यात्रा पर आए थे और घूमते हुए, भारत भ्रमण करते हुए उनको दिल्ली से रानीखेत जाना था। कुछ दूर की यात्रा उन्होंने ट्रेन से की, कुछ आगे की यात्रा उनको कार से करनी थी। ट्रेन से यात्रा करते वक्त हर स्टेशन पर उतरते थे और लोगों से देश के बारे में, देश के स्थिति के बारे में बात करते थे। एक स्टेशन पर जो ही उतरे, देखे कि नहीं कुछ बच्चे हैं जो उनको कुछ सामान लेकर के घेर लिए हैं। उन बच्चों में से एक 9 साल की लड़की उनसे मिली और उसने जो उनके साथ व्यवहार किया, जो बिहेव किया, उसने उनको काफी आह्लादित किया और इस बात को जाकर के भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने बताई। क्या उन्होंने बताया, इस लेसन को मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए बढ़ा, आगे चला। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। मैं वहां से बरेली चला ट्रेन से और उसके बाद रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो एक पुराना ब्रिटिश आर्मी स्टेशन है, हिल स्टेशन है, लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो काफी 6000 फुट की ऊंचाई पर, आप समझिए 6000 फुट की ऊंचाई मीन्स लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई, और 2000 मीटर की ऊंचाई पर यह रहने वाला हिल स्टेशन जो 120 मील लगभग उसका डेढ़ गुना दूर तक फैला हुआ है, जिस जो हिमालय पर, हिमालय की चोटियां वहां पर लगी हुई हैं, काफी ऊंचाई पर है। द ट्रेन वॉज स्लो, जो ट्रेन थी, जो रेलगाड़ी थी, वो धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और जिस स्टेशन पर वो पहुंचती थी वहां जाकर के वह रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं जहां बैठा हुआ था अपने कंपार्टमेंट, अपने डब्बे के दरवाजे को मैं खोल देता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और उतर करके जब तक ट्रेन रुकती थी तब तक मैं प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म वेयर पैक विथ पीपुल, जो प्लेटफॉर्म था पैक भरा हुआ था, बिल्कुल पीपुल, लोगों के द्वारा भरा हुआ था। सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट्स, प्रीट्स, पोर्टर, बेगर्स एंड हॉकर्स, वहां पर रहने वाले लोग हिंदू लोग थे, मुसलमान लोग थे, सैनिक थे, व्यापारी थे, पंडित थे, बेगर्स थे, हाकर्स थे, फेरी वाले थे, सभी लोग उस स्टेशन पर थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुटेड, लगभग उनमें से सभी लोग बेयर फुटेड, नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और लगभग ढीले ढाले सफेद कपड़े पहने हुए थे। बच्चों आपको जान करके यह प्रसन्नता होगी कि उस जमाने में सन 50 के आसपास की घटना है, ज्यादातर भारतीय लोग ढीला कुर्ता और धोती पहनते थे, लोगों के पैरों में चप्पलें, लोगों के पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, मैं लगभग 3 लोगों से बात करने का प्रयास करता था, तब जाकर के मुझे एक आदमी ऐसा मिलता था जो अंग्रेजी में मेरे सवालों का जवाब दे सके या अंग्रेजी जानता हो।
वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक्स, हम बात करते थे वर्ल्ड अफेयर्स पूरे संसार के मामलों पर और एवरी मेजर टॉपिक छोटे बड़े मुद्दों पर, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस प्रतिदिन की होने वाली घटनाओं पर, इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार मैं देश के लोगों का एक जो नब्ज है टटोलने का प्रयास कर रहा था कि लोगों की धारणा अपने देश के प्रति क्या है। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, देश के लोगों ऑफिशियल्स के बारे में अपने सरकार के बारे में लोगों का रिपोर्ट्स कैसी है, दृष्टिकोण कैसा है। पैराग्राफ 3, द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, द रूट ले थ्रो जो रास्ता जहां रानीखेत के लिए जाता था वह एक रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया, कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण, कृषि के लिए सबसे धनी क्षेत्र था, उधर से होकर के जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा का ऊपरी मैदान था। 1000 feet अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, हजारों फीट समुद्र की तल की ऊंचाई पर, लेकिन यह एक प्रकार का ट्रॉपिकल क्षेत्र था, एक उष्ण क्षेत्र था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट सालोन विथ फ्लड वाटर्स, गंगा उस समय गंगा में बाढ़ आई हुई थी और गंगा के पानी में सिल्ट मिट्टी जमी हुई थी, चारों तरफ से फैली हुई थी। इट ओवर फ्लो इंडुएटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर ऑफ राइस, और उस पानी ने, गंदे पानी ने हजारों एकड़ जो खेत थे उनको डुबा रखा था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, उत्तर दिशा में, उत्तरी दिशा में जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, घासें लगी हुई थी, हायर देन ए मैन्स हेड, आदमी के सिर से ऊंची ऊंची, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, अनब्रोकन टूटे हुए ट्रीज क्लम्प्स उसके जो ठुड्डे लगे हुए हैं, द होम ऑफ टाइगर्स जिनमें रहते थे, जो घर बना हुआ था टाइगर्स चीतों का, एलिफेंट्स हाथियों का, पाइथन्स अजगरों का, एंड कोबराज काले सर्पों का। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड राउडिंग टू हॉरिजन, उसके बाद कुछ स्थान ऐसा था जो क्षितिज से लगता था, क्षितिज उसे कहते हैं जो आसमान और पृथ्वी को एक जगह जोड़ता हुआ दिखता है, बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन कहीं कहीं पर द सेक्रेट बनियान ट्रीज, कुछ बरगद के पेड़ दिख रहे थे, और बाय रोज पाकर ट्रीज, पाकर के ट्रीज कुछ बाई कतारों में दिख रहे थे, शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, एल्म्स का पेड़ जो अमेरिका में होता है उस प्रकार के पेड़ जो ट्विस्टेड हुआ करते थे, जो एक दूसरे से अपने को लपेटे हुए थे। हॉट ह्यूमिड वाज मूविंग इन फॉर्म द साउथ वेस्ट, हॉट गर्म समीर हवा दक्षिण दिशा की तरफ से ठंडी हवा चल रही थी। मंकी सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज, बंदर थे जो उनमें जो कुछ माएं थीं, बेबीज क्लीनिंग इन देम, जो अपने बच्चों को अपने पेट से लगाई हुई थीं, एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ द ट्रीज एट द स्टेशन, और उतर आती थीं, चली आती थी स्टेशन पर लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेजर्स वी पास्ड, द विलेजेस वी पास्ड, गांव जहां से हम गुजरे, हेड वॉल्स मेड ऑफ मड, बनी हुई थी, जो दीवारें बनी हुई थी मड की बनी हुई थी, कीचड़ की बनी हुई थी, मिट्टी की बनी हुई थी। विथ वाटर एंड काउडेंग, उस जमाने में जो घर बनाए जाते थे, जो घरों की दीवारें बनाई जाती थी, गाय के गोबर से और मिट्टी को मिलाकर के बनाया जाता था। करा देयर पिक रूप्स वेयर थ्रेस्ट बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बंबू पोल्स, और उसके जो छत हुआ करती थी बांस के पोल्स की बनी हुई करती थी, बल्लियां लगा करके बनाई जाती थी, स्ट्रेच एक रास्ता रैप्टर्स ऊपर से जो फैली हुई थी, ऊपर से ढालूदार हुआ करती थी। दैट डेड द पंपकिन बेंस दैट ग्रू ओवर देम, और उनके छतों पर जो सीताफल है जिसको हम कुमड़ा कहते हैं वो लटके हुए थे। कर वेयर इन ब्लूम, सब फूले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स, जो गंदे रंग की दीवार थी उस पर पीले पीले रंग के लटके हुए थे। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वॉज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर गाड़ी जब पहुंची तो मेरा लोगों से बात करने का जो कार्यक्रम था, जो बात करने का तौर तरीका था और जो रूटीन था वो रुक गया। एज सून एज आई अलाइटेड,
जो ही मैं उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, छोटे छोटे बच्चों का एक ग्रुप, एक झुंड मेरे चारों तरफ आकर के मुझे घेर लिया। करा दे वर सेलिंग बास्केट्स, में बेच रहे थे टोकरियां, हैंड ओवर जो हाथों से बुनी हुई थी, रीड बास्केट जो नरगज की बनी हुई थी, विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, जो साधारण उस पर डिजाइंस बनी हुई थी, कुछ धारीदार बने हुए थे, कुछ कढ़ाई की हुई थी। करा दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, उन बच्चों ने उन बास्केट्स को ऊपर उठाया, साउटिंग वर्ड्स चिल्लाते हुए, आई डिड नॉट नो, जिन शब्दों को मैं पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन मेरे वे बच्चे क्या चाहते हैं इस बात को मैं अच्छी तरह से समझ गया। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये बच्चे कौन थे? ये बच्चे रिफ्यूजी चिल्ड्रेन थे, रिफ्यूजी वे बच्चे हुए जो भारत पाकिस्तान की के बंटवारे के साथ जो लोग भारत चले आए थे उनके ये बच्चे थे। करा वेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स, हजारों लोग, सैकड़ों लोग उधर से चले आए, चेंज देयर रेजिडेंसेज, लोगों ने अपना आवास बदल लिया, अपना निवास बदल लिया है। कहा 9 मिलियन पीपुल लेट पाकिस्तान, 9 मिलियन, 1 मिलियन में लगभग 10 लाख होते हैं, 90 लाख लोगों ने उस समय पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, भारत चले आए, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म, लोगों के अंदर में डर था धार्मिक उन्माद का कि हम मार दिए जाएंगे, इसलिए लोग पाकिस्तान छोड़कर के भारत में चले आए। करा दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, वे लोग इतने गरीब थे उनके साथ कुछ था ही नहीं, दे वर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक, जैसे उन्होंने वहां से चलने के लिए तैयारी की, गरीब से गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी उनके साथ था, वाज बीट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग, कुछ तो उनके पास भोजन था और कुछ सामान था। सून दे वर आउट ऑफ फूड, बहुत जल्दी उनके पास का जो भोजन था वो समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, चलने के कुछ ही दिन बाद, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, वे गिरना शुरू कर दिए, वीकनेस कमजोरी हो गई, हंगर भूख प्यास से तड़पने लगे, गिरने लगे, एंड डाइड, और मरने लगे, वेयर दे फॉल, जहां वे रुकते थे, जहां गिरते थे वहीं पर गिर करके भूख के कारण मर जाया करते थे। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स ऑफ डॉटर्स ऑफ सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, जो बच्चे बेच रहे थे बास्केट वे बच्चे थे, लड़के थे, लड़कियां थे इन रिफ्यूजियों के। कहा कि दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वे और उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स इकट्ठा हो गए थे इन द सिटीज, शहरों में, सेटिंग अप स्टॉल्स, वहां पर अपनी स्टॉल्स लगा ली थी, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटी छोटी चीजें वो बनाया करते थे, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन द मार्केट्स, अपनी जीवन बिताने के लिए, जीवन जीने के लिए कोशिश करते थे कि मार्केट में हम अपना जीवन बिताने के लिए कुछ ऐसा करें। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो मार्केट पहले से ही ओवर क्राउडेड थी, भरी हुई थी लोगों से। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, कहा कि वे कपड़ों का, घासों का घर बना करके, ढक करके लाइन से एक तरफ से उसमें रहते थे, गलियां में रहते थे। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन परित्यक्त लोगों में, निष्कासित लोगों ने, बहिष्कृत लोगों में जो पीजेंट्स, जो किसान लोग थे, हैड बीन एकस्टम्ड ए लिटिल फॉर देयर लिव्स, कहा उनकी आदत पड़ चुकी थी बहुत कम में रहने की, बहुत कम में गुजारा करने की। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक पारिवारिक, एक किसान के परिवार की डज नॉट एक्सीड, बहुत ज्यादा नहीं होती, ऑन एन एवरेज, एक औसत $100 ए ईयर, $100 प्रति वर्ष में ही उनका काम चलता था। द एवरेज एन स्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट्स ए डे आर लेस देन $2 वेक, एक औसत लेबर, एक औसत मजदूर प्रतिदिन 30 सेंट से ही पैदा कर सकता था। अमेरिका की मुद्रा है, अमेरिका का सिक्का है 30 सेंट,
डे आर लेस देन $2 a week, या $2 से भी कम एक सप्ताह में. देयर इज वन मील ए डे. बहुत सारे लोग एक ही बार खाना खाते थे. एन ओनियन उनका खाना क्या था, ख्याल कीजिए, वन एन ओनियन प्याज खाते थे. ए पीस ऑफ ब्रेड, प्याज के साथ रोटी. ए बाउल ऑफ पल्स आर मिल्क, एक कटोरी दाल या दूध. पर हैव्स ए बिट ऑफ गुड चीज, शायद बकरी के दूध से बना हुआ पनीर भी थोड़ा सा. नोटी, उनके पास क्या नहीं था, कोई चाय नहीं. नो काफी, कोई काफी नहीं. नो फैट, कोई बशा नहीं. नो स्वीट्स, नो मीट, न कोई मिठाई, न ही तो कोई मांस. $100 a year is not $2 a week. एक सप्ताह में $2 कमा करके एक साल में $100 नहीं कमाया जा सकता. एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपुल टू पुअर टू बाय देम. उन गरीब लोग जो स्वयं टोकरियां नहीं खरीद सकते, उनके लिए इतने पैसे भी कमाने बहुत मुश्किल थे. दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकट्स. इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये छोटे छोटे बच्चे मेरे ऊपर आकर के एक लोकट्स की भांति, टिड्डियों की भांति मेरे ऊपर आकर के हमला बोल दिए. आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन, एक अमेरिका का वासी, वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट. निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत अच्छा मार्केट, एक बहुत अच्छा बाजार था जो उनकी वस्तुएं खरीद सकता था. दे हैड सीन, जो उन्होंने देखा. अगला पैराग्राफ देखिए ध्यान से. आई बॉट वन टीनी बास्केट, मैंने एक छोटी सी बास्केट खरीद ली. फॉर फ्यू अनाज, कुछ आना में. आप जानने का प्रयास कीजिए कि एक आना, उस समय एक पैसे दो पैसे चलते हैं, उस समय आना चलते थे. एक आना 6 पैसे का होता था, 2 आना 12 पैसे के होते थे, 4 आना 25 पैसे का होता था, 8 आना 50 पैसे का, और 16 आना में 1 रुपये हुआ करते थे. एनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, कुछ एक दूसरी टोकरी, कुछ उससे ज्यादा. ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपीज, एक वेस्ट पेपर की बनी हुई बास्केट कुछ रुपयों में मैंने खरीद ली. ए लवली शिविंग बास्केट फॉर ए रुपी, एक सिलाई के सामान रखने के लिए जो बास्केट है उसको 1 रुपये में मैंने खरीद लिया. ए फ्यू फैंस फॉर एन अनाज आर 2 apiece, कुछ आनों में मैंने कुछ पंखे खरीदे, हाथ से झलने वाले. लेखक कहता है, माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 cents, मेरी भुजाएं भर गईं, लेकिन मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए. द चिल्ड्रेन पास्ड इन साउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामान को लेकर के बच्चे चारों तरफ चिल्ला रहे हैं. आई वाज प्रिजनर, मेरा ले लीजिए, मेरा ले लीजिए. मैं एक कैदी की भांति बीच में पड़ा था, कंप्लीटली सराउंडेड, बुरी तरह से उनसे घिरा हुआ, पूरी तरह से उनसे घिरा हुआ. अनएबल टू मूव, मैं हिल भी नहीं पा रहा था. द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9. देखिए, सबसे बड़ी कहानी की जो थीम है यही है. उन बच्चों में द मोस्ट डिलीजेंट, बहुत परिश्रमी, एग्रेसिव वेंडर, जो अपने सामान को बेचने के लिए सबसे ज्यादा तत्पर थी, वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, एक 9 साल की छोटी सी बच्ची थी. राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे दाएं तरफ खड़ी थी. शी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक प्यारी सी टोकरी थी जिसमें एक हैंडल लगा हुआ था. एंड सी वांटेड ए रुपी एंड हाफ फॉर इट, और वो चाहती थी कि उसकी टोकरी का 1 रुपया और 50 पैसे मिल जाए. अबाउट 30 सेंट्स, जो मेरे लिए लगभग 30 सेंट्स के बराबर होते. सीवा जैन अर्नेस्ट प्लीडर, वह बहुत बड़ी प्रेरक थी अपनी माल को बेचने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए. उसको जो कहने का ढंग था वो बहुत विचित्र था, बहुत बढ़िया से ढंग से कह रही थी. देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उस बच्ची की आंखों में आंसू थे. सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टू टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट, वो इस प्रकार से आग्रह कर रही थी वस्तु को खरीदने के लिए, इस प्रकार से आग्रह कर रही थी उस बास्केट को खरीदने के लिए कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका हृदय रिंग विथ हर्ट, जिसका हृदय द्रवित न हो जाए. आगे देखिए, माई आर्म्स वर फिल फुल, मेरे बाहें, मेरी भुजाएं भर गई थी. आई हैड नो रूम, यहां रूम का मतलब कमरा नहीं, स्थान से है.
आई हैड नो रूम, मेरे पास स्थान नहीं था, जगह नहीं थी, लिट लांग एनी नीड, कोई आवश्यकता भी नहीं थी फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैं अपनी बास्केट को और बाकी सब फैंस को, पंखों को अपने लेफ्ट आर्म में बैलेंस करते हुए, सुरक्षित करते हुए, आई रिस्ट इन टू माई राइट कोट पॉकेट, मेरा जो दाहिने तरफ कोट का पॉकेट है, एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और उसमें से मैंने एक मुट्ठी सिक्के निकालिए, खुदरे पैसे जो है उसको मैंने निकाल लिए, परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद लगभग 15 सेंट रहे होंगे, विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, जिसको मैंने उसके बास्केट में डाल दिया, दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्रोंगली बिफोर मी, जो उस गर्ल के जो मेरे सामने अपने सामान को बेचने के लिए लगातार दबाव बनाए जा रही थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि मैं तुम्हारी टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज द सब्स्टिट्यूट, उसके बदले में मैं तुमको ये उपहार के रूप में पैसे दे रहा हूं। आई रियलाइज दैट वंस पार्ट ऑफ हेंस आई हैड गिवेन, मुझे तुरंत पता चल गया कि मैंने ये क्या कर डाला, मैंने ये क्या कहा। दिस चाइल्ड ऑफ नाइन ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, ये बच्ची जो फटे कपड़ों में थी, 9 साल की, जो स्टार्वेशन, जो भूखों मरने के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया, रीच्ड इन टू द बास्केट, हाथ को बास्केट में पहुंचाया, टोकरी पे पहुंचाया, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, एक भारतीय महिला की जो गुण होते हैं, जो सील होता है, जो आत्मसम्मान होता है उसके साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे सारे धन लौटा दिए। उसने मुझसे कहा, मैं किसी का खैरात नहीं लेती, मैं सामान बेचती हूं, ईमान नहीं बेचती। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू सो, मेरे सामने अब कुछ ऐसी चीज रह नहीं गई थी जिसे मैं कर सकूं। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली, सी वाइप्ड हर आइज, जब मैंने टोकरी खरीद ली तो उस बच्ची ने अपने आंखों के आंसू पोंछे, स्माइल एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, मुस्कुराया और उछल पड़ी प्लेटफार्म से, हिडन फॉर सम ग्रास एट, और दौड़ करके भाग गई जो बगल में, स्टेशन के बगल में जो झोपड़ियां लगी हुई थी उसके पास। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, कम से कम उस रात उसके पास 30 सेंट रहे होंगे। आगे देखिए, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर, मैंने इस कहानी को जाकर के प्रधानमंत्री से बतलाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कहानी, इस बच्ची को बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन द लव विथ इंडिया, भारत के साथ प्रेम करने का सबसे बड़ा कारण, एक कारणों में से यह भी एक कारण है, क्या, द पीपुल आई सा इंडिया, लेखक जो लास्ट पैराग्राफ लिखता है कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से बार बार आ चुका है परीक्षाओं में, द पीपुल आई सा इंडिया, मैंने भारत में लोगों को जो देखा, दोज इन द विलेज एज वेल इन द हाई ऑफिस, जो लोग गांव में रहते हों या बड़े ऑफिसों में रहते हों, है बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उन लोगों के अंदर एक जीने का गर्व है, एक सम्मान है, एक भारतीय नागरिक होने का सम्मान है। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके मन में एक प्रकार का पैशन है, एक चाहत है अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति, हमारा देश स्वतंत्र हो और रहे। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह खूबसूरत बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो बिल्कुल गरीबी में, बिल्कुल मजबूरी में पैदा हुई है, जिसके पास कुछ नहीं है, अनएजुकेटेड, जो शिक्षित भी नहीं है, इन बोथ दोनों मामलों में ग्रामर एंड मैनर्स, न उसको कोई ग्रामर आता है, न कोई व्याकरण आता है, न कोई ढंग आता है, हैड गिवन मी ए ग्लिम्प्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे एक झलक दिखा दी है, एक संपूर्ण भारत की, एक गर्म भारत की, या हम कह सकते हैं एक उत्कृष्ट भारत की झलक उसने मुझे आज दिखा दिया है। आज हमने आपको क्लास 12th की प्रोज का फर्स्ट लेसन बताया। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझे होंगे, सुने होंगे, गुने होंगे, और निश्चित रूप से उस बच्ची के गुणों से
अपने अंदर आने वाले गुणों को तुलना करेंगे और समझेंगे कि भारत ऐसे ही महान नहीं है। आज हमारे देश के सामने फिर वैसी एक चुनौती आ गई है। भारत एक बहुत बड़े समस्या जिसको कोरोना नामक डिजीज कह रहे हैं उसका सामना कर रहा है। सबसे बड़ी रोज आप सुन रहे हैं, टेलीविजन पर देख रहे हैं, रेडियो पर सुन रहे हैं, सबसे बड़ा इसका बचाव क्या है, इससे रक्षा क्या है, इसके लिए कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। इससे बचने का एकमात्र तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, इसको आप लागू कीजिए। इसी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, छोटे कक्षाएं सब बंद हैं, उसके लिए हम लोगों ने शुरू किया है। हमको जहां तक लगता होगा कि ये वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा, इसमें जो कमियां होंगी हमें अवगत कराने का निश्चित रूप से प्रयास करिएगा, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो मुझे बताने में छूट गई हूं, अगले लेसन में हम कोशिश करेंगे। आपको बता दूं लगभग औसत प्रतिदिन एक वीडियो हम लोग अंग्रेजी का डालने का प्रयास करेंगे, एक लेसन का दो दो लेसन, दो लेसन प्रोज से हो जाएगा, दो लेसन पोएट्री से हो जाएगा, दो लेसन शॉर्ट स्टोरी से हो जाएगा। इसके बाद हम उसी बीच में ग्रामर के कुछ हिस्से को, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सेंथेसिस, हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जिन बच्चों के पास पुस्तकें नहीं है वो पुस्तकों की व्यवस्था करें जल्दी से जल्दी, कि जब तक हम अगला लेसन आपके पास दें भेजें तब तक आपके पास मेटेरियल हो जाए, उसको आप बढ़िया से समझें। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा, सोचेगा, समझेगा, वो समझेगा या समझ जाएगा कि निश्चित रूप से जो लेसन आपको पढ़ाया गया है वह काबिले तारीफ है, और इस लेसन की जो शिक्षा है उससे भी बहुत बढ़कर। थैंक यू, धन्यवाद।